Good morning, students. I am A. Sansari, and today I am going to talk civics of class 8, chapter 1. The name of chapter is Indian Constitution. In this chapter, in the previous lecture, we teach all types of features and what is constitution and its features के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं पिछले previous classes. इस chapter में according to new syllabus, some important topics are included. Some important topics are fundamental rights and fundamental duties. तो first of all, in this chapter we are going to discuss fundamental rights. That is, in Hindi words, जिसको हम कहेंगे मौलिक अधिकार. Fundamental rights are called मौलिक अधिकार. ठीक है, in the Indian Constitution, lot of fundamental rights are included. And these fundamental rights are in what to every citizen of the India. These fundamental rights means attack the rights which are, यहाँ पे देखिए students, fundamental rights, the rights which are essential for all around development and well-being of citizen of the country is called fundamental rights. अतः कि एक वैसा राइट्स जो हमारे सिटीजन यानी हमारे कंट्री के जितने भी सारे सिटीजन हैं उस सिटीजन के डेवलपमेंट करने में उनके वेल बीइंग करने में जो हेल्प करता है वो आपका फंडामेंटल राइट्स कहलाता है, जिसको हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं, जिसको फंडामेंटल राइट्स कहलाता है. तो दिस फंडामेंटल राइट्स आर लीगल for every person in our country. These fundamental rights are legal for every person in our country because Article 32 of our Indian Constitution, which gives the right to move to the Supreme Court of the enforcement of rights given by the Indian Constitution in पार्ट 3. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के 4 पार्ट्स हैं, यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उस 4 पार्ट्स में जो 3rd पार्ट है उस 3rd पार्ट में आपको दिया गया है जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं. और उस फंडामेंटल राइट्स में जो सबसे पहला जो राइट्स जो दिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं राइट टू इक्वालिटी. नहीं, ये जितने भी सारे फंडामेंटल राइट्स दिया गया है वह अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स 32, आर्टिकल ये होता है आर्टिकल 32, यानी आर्टिकल 32 के आधार पर भारतीय संविधान में जितने भी सारे फंडामेंटल राइट्स हैं वे सभी दिए हुए हैं. और उस फंडामेंटल राइट्स में ह्यूमन का राइट्स होता है कि ये सभी राइट्स को फॉलो करना, इसलिए दिस राइट्स आर कॉल्ड क्या, जिसको हम लोग कहेंगे लीगल राइट्स. दिस फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड लीगल राइट्स. तो स्टूडेंट्स बी केयरफुल, द फंडामेंटल राइट्स है कि द राइट्स विच आर एसेंशियल फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ सिटीजन ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स. यानी एक वैसा राइट्स जो एक सिटीजन को डेवलपमेंट करने में उसके आसपास के एसेंशियल सोर्सेज को डेवलपमेंट करने में जो हेल्प करता है, जिस राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स. तो लॉट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो सम फंडामेंटल राइट्स आर राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी का मतलब है समानता का अधिकार. समानता यानी ऑल पीपल्स आर इक्वल बिफोर द लॉ.
नहीं, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल पीपल्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, जिसको हम लोग कहेंगे राइट टू इक्वालिटी। यानी लॉ डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिच एंड पुअर पर्सन। लॉ कभी भी रिच और पुअर पर्सन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, उसका भेदभाव नहीं करता है। इसलिए फेस के आधार पर, जैसे ब्लैक वाइट जो फेसेस होते हैं, गोरा और काला, अमीर और गरीब के बीच में, ये जो है आपका डिस्क्रिमिनेशन उत्पन्न नहीं करता है, जिसको हम लोग कहते हैं राइट टू इक्वालिटी, जिसको समानता का अधिकार कहा जाता है। और ऑल सिटीजन्स आर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स। और राइट इक्वालिटी में भी यही आता है कि जितने भी सारे सिटीजन्स हैं गवर्नमेंट जॉब में, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाता है। हाँ, हो सकता है कि कुछ कास्ट हैं जिसमें रिजर्वेशन टेक्निक अप्लाई जाती है, जैसे शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइबल्स हैं, और उसके बाद अदर बैकवर्ड क्लासेस, एससी एसटी एंड ओबीसी। एससी एसटी और ओबीसी जो कास्ट हैं उसमें गवर्नमेंट कुछ रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है, बट ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी गिवन टू द गवर्नमेंट जॉब्स। रिजर्वेशन टेक्निक्स आर allowed for the different sections of the society. The different sections are scheduled caste, group tables and other backward classes. Right equality में है कि untouchability will not be tolerated in any form. Untouchability will not tolerated in any form. किसी भी form में, किसी भी रूप में अनटचबिलिटी को जो है टॉलरेट नहीं किया जा सकता। कभी भी अनटचबिलिटी को टॉलरेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये राइट टू इक्वालिटी है, समानता का अधिकार है, और ऑल पीपल्स आर इक्वल बिफोर द लॉ अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट टू इक्वालिटी में है कि जो भी हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो हमारा क्या है, राइट्स है। एवरीवन विल हैव इक्वल एक्सेस द पब्लिक प्रॉपर्टी। प्रत्येक व्यक्ति का ये राइट्स होता है। ऑल पीपल्स, ऑल पर्सन हैव द इक्वल राइट्स टू एक्सेस द पब्लिक प्रॉपर्टी। जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टी हैं उसको एक्सेस करना, ये जो ह्यूमन की राइट होती है। जैसे मान लीजिए बड़े म्यूजियम्स हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, बसेज हैं, उसके बाद है म्यूजियम्स हैं, गार्डन्स हैं, ये सभी क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसको राइट टू इक्वालिटी के फॉर्म में हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट ऑफ ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड दिस राइट्स आर कॉल्ड राइट टू इक्वालिटी। और इस राइट टू इक्वालिटी के बारे में हम लोग क्या है स्टडी किए। एंड सेकेंड फंडामेंटल राइट्स आर, द सेकेंड फंडामेंटल राइट्स आर, इसको कहेंगे राइट टू फ्रीडम। सेकेंड फंडामेंटल राइट्स आर राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको हम लोग कहेंगे फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट टू फ्रीडम इन द फॉलोइंग वेज। राइट की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम को डिफरेंट वेज, डिफरेंट तरीकों में जो है एक्सप्रेस किया गया है, जिसको राइट टू फ्रीडम हम लोग कहेंगे। और वह डिफरेंट वेज है, इसमें फर्स्ट है ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ ए स्पीच एंड टू एक्सप्रेस देयर व्यूज फ्रीली। करेक्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के आधार पर जो राइट टू फ्रीडम दिया गया है, उसमें जितने भी सारे सिटीजन्स हैं फिर सभी को राइट टू फ्रीडम दिया गया है। और ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया शैल हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और सबको जो है राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार दिया गया है, और राइट टू एक्सप्रेशन, अपने व्यू को एक्सप्रेस करने का अधिकार दिया गया है। ये किस में आता है, राइट टू फ्रीडम, जिसको हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार किस में है, राइट टू स्पीच में है, राइट टू एक्सप्रेशन में है, राइट टू
व्यूज एंड देयर आइडिया, ठीक है, ये आया इसमें राइट टू फ्रीडम। और डिफरेंट व्यूज है कि ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली, इन ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव राइट टू असेंबल पीसफुली, इन भारत भारतीय जितने भी सारे नागरिक हैं उन सबका राइट्स होता है कि शांति पूर्वक अपने राइट्स के बारे में लड़े, विदाउट एनी आर्म्स, बिना किसी आर्म का विषय, बिना किसी औजार का यूज किए हुए हम पीसफुली अपने राइट्स के बारे में दूसरे से एक्सप्रेस करें, ये आइडिया दिया गया है जिसको राइट टू फ्रीडम हम लोग कहते हैं। द सिटीजन्स कैन फॉर्म एसोसिएट एंड सब यूनियंस, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम ये है वेज में कि हर एक पर्सन को राइट है कि वो अपना एसोसिएशन फॉर्म कर सकता है, संघ या सब यूनियन जिसको हम लोग करते, अपना यूनियन बना सकता है और एसोसिएशन को फॉर्म कर सकता है, ये किस में आता है, राइट टू फ्रीडम में आता है। और उसके बाद है कि द सिटीजन्स हैव द राइट टू मूव टू गो अवे एनी वेयर इन द इंडिया, यानी लोगों को नागरिक ये राइट्स है कि भारत के अंदर किसी भी कोना में वो जा सकता है, किसी भी स्टेट्स में मूव कर सकता है, क्यों, दैट इज योर राइट, बिकॉज यू हैव द राइट्स गिवन टू द फंडामेंटल राइट्स, दिस फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत इंडिया के किसी भी कोने में आप मूव कर सकते हैं। तो ये हुआ सेकेंड, हम लोग दो फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए, राइट टू इक्वालिटी पढ़ लिए, राइट टू फ्रीडम पढ़ लिए, एंड थर्ड इज कॉल्ड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धर्म का अधिकार होना चाहिए। इंडिया को कहा जाता है कि इंडिया इज द लैंड ऑफ मेनी रिलीजन्स, इंडिया इज द लैंड ऑफ मेनी रिलीजन्स, भारत को कहा जाता है कि भारत जो है बहुत सारे धर्मों का एक भूमि है, नहीं क्योंकि यहाँ बहुत सारे धर्म रहते हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सभी रिलीजन्स के लोग यहाँ पे होते हैं, और सभी लोगों को ये राइट्स दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू चूज डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजन, ठीक है, अपने चॉइस के आधार पर, अपने इच्छा के आधार पर अपने रिलीजन को आप चूज कर सकते हैं, जो राइट टू रिलीजन फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत आता है। इसमें कि एवरेज सिटीजन ऑफ इंडिया हैज राइट टू फॉलो और अडॉप्ट एनी रिलीजन ऑफ हिज चॉइस, यानी अपने चॉइस के आधार पर वो किसी भी रिलीजन को जो है अडॉप्ट कर सकता है, उसको फॉलो कर सकता है। एवरी रिलीजन हैज टू बी गिवन इक्वल रिस्पेक्ट एंड वी हैव द no rights to impose our religions, belief and practices upon another, यानी तरह की enforcements के आधार पर, इन enforcements के आधार पर हम कभी भी किसी के ऊपर ये फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप इस religion को follow करें, इस religion को मान, that is called the right of freedom of religion, जिसको धर्म का अधिकार कहा। तो इसमें एक इंसाइड आता है कि आर्टिकल 29, स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की कमी है, आर्टिकल 29 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, उसमें आर्टिकल 29 जो है देता है कि माइनॉरिटी द राइट्स टू कंजर्व देयर डिस्टिंक्ट कल्चर एंड लैंग्वेज, यानी कह रहा है कि आर्टिकल 29 में है कि हमारे कंट्री के रहने वाले जितने भी सारे माइनॉरिटीज हैं, वह माइनॉरिटीज जो है अलग अलग कल्चर को चूज कर सकते हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 29 दिया गया है उसमें हर एक ह्यूमन की राइट्स होती है, तो वो अपना लैंग्वेज खुद चूज कर सकता है,
और वो अपना कल्चर वह बना सकता है। ये कंजर्व करने का तरीका उसको दिया गया है, वो कंजर्व कर सकता है। ये हम लोग पढ़िए। अब नेक्स्ट जिसको राइट हूँ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का होता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी इसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन का अधिकार, एक्सप्लॉयटेशन के विरोध का अधिकार। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है कि इन ऑर्डर टू सेव द पीपुल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिफरेंट वेज इम्प्लीमेंटेड इट। करें कि भारत के नागरिक को कंजर्व करने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट जो है बहुत सारे अलग अलग लॉ का इम्प्लीमेंटेशन करता है। उस लॉ में है कि इम्प्लीमेंटेड मिनिमम वेजेस फॉर लेबर, यानी जो लेबरर होते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उनके लिए मिनिमम वेजेस जो है प्रोवाइड किया जाता है। बॉन्डेड लेबरर्स जैसे सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, ये सब क्या है, बैंड क्या है, नहीं फोर्स लेबर यानी किसी को फोर्स करके हम लेबरर का काम नहीं करा सकते हैं। और उसके बाद ह्यूमन बीइंग्स का बाइंग और सेलिंग पे बैन किया गया है, मनुष्य को खरीद और बेचने का काम जो है इसमें बैन किया गया है। और डिक्लेयर किया गया है कि जो जिसका एज यानी वैसे चिल्ड्रेन जिसका एज अंडर 14 इयर्स है वो कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन द एनी काइंड ऑफ फैक्ट्रीज अंडर गवर्नमेंट जॉब। नहीं, जिसका एज 14 इयर्स के अंडर है, नहीं अकॉर्डिंग टू नए सिलेबस, यानी जिसका एज 14 इयर्स के अंतर्गत आता है वो किसी भी फैक्ट्री में और माइंस में एम्प्लॉय का काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये दिया गया है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। ये फिफ्थ नंबर है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज में है कि करें कि द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज स्टेट्स दैट द एवरेज सिटीजन ऑफ इंडिया इज इंटाइटल्ड टू मूव द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड एनी अदर कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ताकि भारत के रहने वाले जितने भी सारे नागरिक हैं उनको जो है ये राइट्स दिया गया है कि वह जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी कोर्ट्स है उसमें जो है मूव कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं फंडामेंटल राइट्स इंफोर्समेंट किया गया है, उस फंडामेंटल राइट्स में बहुत से अलग अलग जो है राइट्स दिए गए हैं, जैसे राइट ऑफ हैपर्स कॉर्पस है, राइट ऑफ सर्टिनोरी है, राइट ऑफ क्यू वारंटियो है, राइट ऑफ माइंडर्स है, राइट ऑफ प्रोहिबिशन, ये सभी आपको आते हैं राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज के अंदर। ठीक है, एंड दिस नेक्स्ट इज राइट टू कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। इन्हें सभी को जो है एजुकेशन का अधिकार दिया गया है और कल्चर का अधिकार दिया गया है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत बड़ा देश है, वेयर पीपुल ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशन लिव टूगेदर। फायदा इंडिया इज अ वास्ट कंट्री वेयर पीपुल विथ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट ट्रेडिशंस लिव टूगेदर। अलग अलग जगह से लोग जो है आए हुए रहते हैं लेकिन एक साथ जो है अपने लाइफ स्टाइल को प्रतीत करते हैं डिफरेंट कल्चर का। तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एक सेफ गार्ड की तरह वर्क करता है। दे हैव ऑल्सो राइट्स टू ओपन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और हर एक पर्सन को राइट्स दिया गया है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकता है, डेट इज योर राइट्स। तो हम लोग इस लेक्चर में पढ़े कि व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स एंड हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर इम्प्लीमेंटेड। स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। दैट्स ऑल।